दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंको की लिथियम आयन कोर्डलेस ड्रिल मशीन। इस ड्रिल मशीन का आज हम कंप्लीट रिव्यू, अनबॉक्सिंग और पूरा टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग में क्या क्या करने वाला हूं वो बता देता हूं आपको। लोहे के पाइप में होल डाल के चेक करेंगे, लकड़ी में होल डाल के चेक करेंगे, इसके अलावा कंक्रीट के दो ब्लॉक पड़े हुए हैं यहाँ पे, इनके अंदर भी होल डाल के चेक करेंगे यह मशीन इनके अंदर होल डालने में सक्षम है या नहीं। इसके अलावा दीवार में भी होल डाल के देखेंगे, ये जो दीवार है दीवार में भी होल डाल के देखेंगे दीवार में छोटे मोटे होल डालने में सक्षम है या नहीं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मौली सिंह, आप देख रहे हैं देसी मशीन रिव्यू। मैं आपके लिए ऐसे ही मशीनों के रिव्यू लाता रहता हूँ देसी तरीके से। दोस्तों इंको की कोर्डलेस ड्रिल मशीन का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं यह मशीन। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, लिथियम आयन बैटरी है और एलईडी लाइट है इसके अंदर फ्रंट पे, यहाँ पे एलईडी लाइट है और वेरिएबल स्पीड है, मतलब कि स्पीड आपके हाथ में रहेगी, कितनी कम कितनी ज़्यादा स्पीड करनी है बटन के ऊपर प्रेस करेंगे उतनी स्पीड में मशीन चलेगी। इसके अलावा बैटरी के पीछे की साइड में इंडिकेटर है जो कि मशीन को खोल के इसके अंदर का सीन मैं आपको दिखाऊंगा। तो लो दोस्तों मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है इस मशीन के अंदर, यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल है, एक यहाँ पे दो तरह के स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर आगे लगने के लिए दे रखे हैं, माइनस वाला और स्टार वाला। गौर से देख लें, इस साइड में माइनस है इस साइड में प्लस है। और ये जो है बुक, इसको पढ़ने में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ और बस इसके अंदर जो भी ज्ञान है वो मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा, इसमें टाइम वेस्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे। ऊपर का फोटो मैं वैसे आपके लिए दे देता हूँ, ये जो सामान लिखा हुआ है इसका फोटो मैं आपको दे देता हूँ, आप वीडियो को पुश करके इसका ज्ञान सारा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आती है सबसे पहले हमारे पास बैटरी और एक ड्रिल मशीन और एक चार्जर, इतना ही सामान है। इस बॉक्स को अभी हम फेंक देते हैं जिसका कोई काम नहीं है। और ये हमारी ड्रिल मशीन, ये देखें दोस्तों यहाँ पे यह मशीन को, ये जो बैटरी है बैटरी को यहाँ पे ऐसे लगा के प्रेस करना, ये फिट हो गई। अभी हमारी ड्रिल मशीन चालू, यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने की साइड में एक लाइट है, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अभी रिवर्स चल रही है मशीन और अभी फॉरवर्ड चल रही है। दूसरी भाषा में बोले तो अभी हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बटन है, ये दोनों तरफ से प्रेस होता है, इधर से भी प्रेस हो जाता है इधर से भी प्रेस हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे 15 तक नंबर दिए गए हैं स्क्रू टाइट करने के लिए, जब भी आप कोई स्क्रू टाइट करना चाहें तो ये जो ये एक नंबर है बहुत कम पावर है, इसको आसानी से पकड़ेंगे और ये देखें ये फ्री हो जाता है, इससे आगे नहीं चलता। बिल्कुल हल्के स्क्रू टाइट करने हैं तो एक नंबर पर रखेंगे, टाइट और ज़्यादा करना है तो 7 नंबर पर रखेंगे। अभी देखें अभी दो उंगलियों से पकड़ना मुश्किल हो रहा है, अभी घूम जाती है। इसके अलावा इसको पूरा हाई पे कर देंगे तो ये रुकेगी नहीं, अभी नहीं रुकती यहाँ पे, कितना भी जोर से दबाओ 15 नंबर पे किया तो रुक जाती है। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हम टेस्ट करेंगे सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो इसके साथ सामान आया उसके साथ, और बाकी ड्रिल बिट तो कोई इसके साथ आया नहीं है, फिर भी हम फिलहाल ये वाली बिट माइनस वाली लगा के 4 स्क्रू खोलने हैं। घर के छोटे मोटे काम भी आप इस ड्रिल मशीन से कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा गेट है ग्लास का, इस गेट में यहाँ पे जो हैंडल है ये टूटा हुआ है, यहाँ पे हम यह वाला हैंडल लगाने वाले हैं। तो आप इससे मशीन से घर के छोटे मोटे काम भी कर सकते हैं। वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन ज्ञान से भरपूर होगा, वीडियो को कंप्लीट देखें। ये एक स्क्रू खोल दिया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों यह हमने खोल दिया, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है, एसी में भी पसीने आ गए हैं। ये 4 स्क्रू खोलते खोलते यह देखें 4 स्क्रू हमने खोल दिए हैं। अब इसके बाद ये वाला जो पुर्जा था जो टूटा हुआ था यह हमने खोल दिया यहाँ से। अब हम लगाएंगे ये वाला हैंडल। तो इसको लगाने से पहले हमें चाहिए गोटी और भी काफ़ी सारा सामान, तो वो है हमारा इस मशीन के अंदर। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं जो जो सामान हमें चाहिए। हमें चाहिएगी ये वाली गोटी जिसमें सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू लग जाएंगे, और इसको एक बार फिलहाल निकाल देते हैं।
यहाँ पे जो भी टाइट करना है हाथ से ही टाइट करना पड़ता है, जैसे दूसरी मशीन के अंदर ड्रिल चेक होता है, और ड्रिल चेक को टाइट करने के लिए ऐसी की होती है यहाँ पे, तो इस तरह की कोई की इसके साथ नहीं आती है, ये हाथ से ही टाइट करना पड़ता है मैनुअली। तो इसको फिलहाल हम रख देते हैं यहाँ पे, और ये गोटी को यहाँ पे लगा लेते हैं। ये ऐसे टाइट करना आपको हमेशा, ये हो गया दोस्तों। अब फिलहाल इस ड्रिल को हम साइड में रख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये वाली जो ड्रिल है इसका कंप्लीट रिव्यू मैंने कर रखा है, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। इसकी कीमत 3500 रुपये है, ये जो पूरा पैकेट है, ये बोश की RE500 इसका नाम है। बहुत पसीना आ गया है, AC भी चल रहा है फिर भी इतनी गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों यहाँ पे 1 रुपये का एक स्क्रू आता है, जैसा कि आपको मालूम है सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू। तो ये वाले जो स्क्रू हैं इसके साथ हम यहाँ पे एक हैंडल लगाएंगे, जो कि हमेशा ही अंदर की साइड से जब भी हमें ये गेट खोलना होता है, बंद करना होता है, तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर ये बिल्कुल आसानी से ये वाला हैंडल लग जाएगा। नीचे वाला स्क्रू मैंने पहले वाले होल में डाल दिया है, ऊपर नया होल मारना पड़ेगा। तो वो ये सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू है, ये अपने आप ही होल डाल देगा यहाँ पे। तो इसको मैंने सेट कर रखा है 13 पे, इसलिए इतना टाइट होने के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अभी ये हैंडल यहाँ पे कामयाब है एकदम, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले टेस्ट में हमारी मशीन जो है बिल्कुल पास है। अभी नेक्स्ट दूसरा टेस्ट करेंगे, अभी इस गोटी को निकाल देते हैं यहाँ से, और हमें चाहिए एक लकड़ी में होल डालने के लिए ड्रिल बिट, जो कि इसके साथ नहीं आती है, ये यहाँ पे रख लेते हैं। इसके अलावा एक कंक्रीट में या तो दीवार में होल डालने के लिए ड्रिल बिट, गौर से देख लो, ये कंक्रीट में होल डालने के लिए है। और ये वाली इसकी भी शक्ल देख लो अच्छी तरह से, पिछले वीडियो में बोल रहे थे कि समझ में नहीं आया कौन सी ड्रिल बिट है, ये जो है ये लकड़ी में होल डालने के लिए है, और ये जो है इधर वाला ये कंक्रीट में और दीवार में होल डालने के लिए है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक लोहे में होल डालने वाली बिट, ये 5 mm की लोहे में होल डालने की बिट है हमारे पास, तो इसकी भी शक्ल अच्छी तरह से देख लें, तीनों में फ़र्क है, ये लोहे में होल डालने की, ये कंक्रीट में होल डालने की, और ये इधर लकड़ी में होल डालने की। तो तीनों बिट में फ़र्क है, आप गौर से देखेंगे तो पता चल जाएगा। अभी हम तीनों तरह के टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैटरी दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एक बटन है जिसको प्रेस करते ही यहाँ पे 3 बत्तियाँ जलती है। 3 बत्तियों का मतलब है बैटरी अभी फुल है, और जैसे जैसे हम इसको यूज़ करेंगे तो वीडियो के अंदर ही आपको यहाँ पर 2 या 1 बत्ती मिल जाएगी आने वाले समय में। तो फिलहाल हम इसे इसमें ये गोटी फिर से लगा देते हैं, और सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू थोड़े से मार के और खोल के चेक कर लेंगे, उसके बाद हम लकड़ी में, लोहे में और कंक्रीट में टेस्ट करेंगे। तो ये सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू, यहाँ पे क्योंकि 13 नंबर पे इसको सेट कर रखा था, तो अभी हमने रेगुलर पे कर दिया, अब रुकेगी नहीं, कर नहीं बोलेगी अब, ये लो ओके। थोड़ा नजदीक से दिखाएं, आप देख सकते हैं एकदम पूरे परफेक्ट फास्ट स्पीड में सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू लग रहे हैं। तो ये हमारे स्क्रू लग गए, अभी इन स्क्रू को हम खोल लेते हैं। तो इसे यहाँ से प्रेस करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और अभी ये सारे स्क्रू खोलेंगे। ये खुल गया, ये भी खुल गया, ये भी खुल गया। तो ये ऐसे हम स्क्रू हमने जो लगाए थे वो सारे बड़ी आसानी से खोल लिए हैं। अभी दोस्तों क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इसमें कोई चाबी नहीं लगती, ऐसे हाथ से ही खोलना पड़ता है। यहाँ पे गौर करेंगे तो पता चलेगा, ये देखें ये वाला जो पार्ट है ये अलग है, ये जो ये पार्ट है
ये वाला अलग है और ये वाला अलग है, ये दोनों अलग अलग है, ये देखें ये अकेला घूम रहा है, ये अलग है, ठीक है। इसको पकड़ के इसको लॉक करने का, ठीक है, हो गया दोस्तों, ये गोटी का काम खत्म। ये मार्केट में 30 रुपए की मिलती है, ड्रिल मशीन के साथ नहीं आती, अलग से लेनी पड़ती है सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू लगाने के लिए। तो अभी सबसे पहले हम लकड़ी वाला जो सबसे आसान टेस्ट है वो कर लेते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतेगा हम हार्ड वाले टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। ये हमने लगाया लकड़ी वाला बिट, ये हो गया, लकड़ी को रखेंगे और चलाएंगे। ड्रिल उल्टी चल रही है अभी, यहाँ से क्लॉकवाइज कर दिया, बड़ी आसानी से, नीचे से दिखाओ, नीचे से, वैसे इससे जो होल हैं बहुत ही फास्ट हो रहे हैं, दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखें, ये इतने सारे होल जो हैं अभी अभी डाले हैं, अभी एक दो और डाल के दिखा देता हूँ। तो वायर वाली जो ड्रिल मशीन होती है उसके मुकाबले तो बहुत कम पावर होती है इसमें, लेकिन इसका फायदा भी है। देखो, कहीं भी उठा के चल पड़ो, वहीं काम कर लेते हैं, इससे वायर की कोई झंझट नहीं है, ठीक है। जब भी बैटरी लो होगी तो बैटरी को निकाल के चार्ज लगाने का, चार्ज कैसे लगाना है वो भी मैं बता दूंगा। अभी इसको खोल लेते हैं और अब हम लोहे वाली बिट, ये जो ना बिट होती है ये गर्म हो जाती है लकड़ी में चलने से, ये लकड़ी में चलने वाली भी लकड़ी में चलने से गर्म हो जाती है। तो इसको आराम से, अभी कम यूज़ किया इसलिए कम गर्म है, ज़्यादा यूज करेंगे ज़्यादा गर्म हो जाएगी। अभी 5 mm की मेटल में होल डालने की बिट से इसको चेक करेंगे। तो ये हमारी 5 mm की लोहे में होल डालने वाली बिट, और ये जो पाइप है ये 18 गेज की पाइप है हमारी, ठीक है, क्योंकि आपको थिकनेस कैमरे में तो दिखाई देगा नहीं, काफ़ी मोटी पाइप है, ठीक है। सीढ़ी में, सीढ़ी जो होती है, जो हम सीढ़ी चढ़ते हैं लोहे की जो सीढ़ी बनाते हैं उसमें ये वाली पाइप यूज करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही फास्ट पाइप में होल डालने का इसका रिजल्ट है। चलते चलते आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि जब भी आप यह लोहे में होल डालने का बिट ट्राई करें तब इसके साथ इस पे पानी जरूर डालें, नहीं तो आपकी बिट जल्दी वीक हो जाएगी, इसकी धार जल्दी खराब हो जाएगी अगर पानी नहीं डालेंगे। 2-4 सुराख मारने तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा सुराख मारने तो इस पे पानी जरूर डालें, ठीक है। तो अभी इसको निकाल देते हैं दोस्तों, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और वीडियो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ताकि लोगों तक यह ज्ञान की बातें पहुंच सके। और अभी हम बीच में, अभी हमारी ये वाली बिट से ट्राई करना बाकी है जिसमें कंक्रीट में और दीवार में होल डालेंगे, इस बिट से चेक करेंगे। तो ये हमने लगाया और इसके बाद मैं आपको ये ड्रिल मशीन जो है इसकी बैटरी को चार्ज लगा के बताऊंगा, और साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा, यहाँ से पता चलेगा, बत्तियाँ अभी भी 3 जल रही है, अभी 3 बत्तियाँ जल रही है इतना काम करने के बाद भी, तो थोड़ी देर और यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा जो पावर है इसमें लगती है। तो इसमें टेस्ट कर लेते हैं, कंक्रीट में होल डाल के देखते हैं, यहाँ पे ये इतना मोटा है और ये क्रॉस तो करेगा ही नहीं इसको, चलिए फिर भी यहाँ पे मार के देख लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से कंक्रीट में 2 इंच का होल हुआ है, दूसरे बिट से चेक करते कितना होल हुआ है, ये इतना करीब 1.5 इंच का होल हुआ है कंक्रीट में, ये देखें
और बहुत ही पावर खर्च करी है मैंने, पसीना फिर से आ गया है और बिट बहुत गर्म हो गई है। अभी हम इससे लास्ट टेस्ट जो है वो करेंगे। अभी दोस्तों दीवार में होल डाल के देखते हैं, इसमें बहुत मुश्किल है होल डालना कंक्रीट में, ठीक है। इसके लिए आपको हमर ड्रिल की ज़रूरत पड़ेगी। हमर ड्रिल ये वाली होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमर ड्रिल ये वाली होती है, हमर ड्रिल। अभी आगे वीडियो में एंड में मैं आपको इसके भी दर्शन करवा दूंगा। आने वाले कुछ दिनों में हमर ड्रिल मशीन का भी रिव्यू करूंगा। यहाँ पे ये जीरो के सेंटर में हम होल डालेंगे, ये जो जीरो है इसके सेंटर में यहाँ पे होल डाल के चेक करते हैं कि कामयाब होते हैं या नहीं। चलो मशीन ने सुराख तो मार दिया लेकिन पावर बहुत ज़्यादा खर्च हुई है, ठीक है। बैटरी अभी भी दो बत्तियां जल रही है, एक बत्ती डेड हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर यूज कर ली मैंने इसमें। तो आपसे निवेदन है कि इतनी पावर यूज ना करें। देखिए मेरा तो काम है, मेरी तो जॉब है, मैंने आपको दिखाना है क्या नाटक है कैसे नहीं है, सारी नौटंकी आपको अच्छी तरह से मुझे दिखानी है। अभी चश्मा चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चश्मा कौन सा ज्यादा बढ़िया लग रहा है वो आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। और इस मशीन की कौन सी टेस्टिंग आपको सबसे बढ़िया लगी वो भी कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। फिर से डेड, एक बार निकाल लेते हैं फिर से डालते हैं। अगर ज़्यादा पावर खर्च नहीं करना चाहते तो इसको बार बार निकाल निकाल के बार बार डालो तो पावर ज़्यादा खर्च नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा पूरा होल निकल गया है और ये बिट पूरा गर्म हो गया है। एक और टेस्ट करेंगे, इसमें अब कहाँ पे होल डालें, फिर से दीवार में ही होल डालेंगे। तो अभी जो होल है यहाँ पे, ये जीरो के ऊपर में मारेंगे यहाँ पे इस जगह पे। तो इस बार पावर कम यूज करेंगे थोड़ी सी। तो भाई लोग यहाँ पे 4 इंच की बिट है, 4 इंच का गहरा होल दो हमने कर दिए, एक ये वाला एक ये वाला। तो कुल मिला के इस कहानी से यह समझ में आता है कि यह ड्रिल मशीन दीवार में तो होल डाल सकती है लेकिन ये जो कंक्रीट है इसमें होल डालना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इस मशीन का हमने आपको इस वीडियो में हर तरह का टेस्ट करके बताया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और सबसे लास्ट में मैं इस मशीन की जो बैटरी है इसको आपको चार्ज लगा के बताता हूँ। यहाँ पे है इंको का चार्जर और ये 5 फुट की या 5.5 फिट की ये वायर लंबी आती है इसके साथ। यहाँ पे लगाएंगे इसको और बटन तो प्रेस किया हुआ है। और ये जो है बैटरी एक बार देख लेते हैं इतना यूज करने के बाद बैटरी की क्या हालत हुई है। अभी भी 2 बत्तियां जल रही है, मतलब बैटरी से जितना हमने यूज किया है ऑल ओवर, मतलब हैंडल चेंज किया, कंक्रीट में मारा, लकड़ी में मारा, लोहे के पाइप में मारा, दीवार में 2 होल डाले, ये सब करने के बाद यह जो ड्रिल मशीन है इसकी बैटरी जब चेक करते हैं तो यहाँ पे 2 बत्तियां अभी भी जल रही है। तो मतलब यह है कि इतना काम यह मशीन 2 बार और कर लेगी जितना हमने आपको करके दिखाया, ठीक है। और ये लगाया यहाँ पे
ये चार्जिंग यहाँ पे एक होल है तो इसमें ये चार्जर घुसेगा और ये यह बैटरी चार्ज लग गई है। वैसे आपको बताना चाहूँगा मेरा तो एक्सपीरियंस है, यह लगभग लगभग एक घंटे में फुल चार्ज होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस ड्रिल मशीन का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा एवरी संडे रात को 9 बजे मैं देसी मशीन रिव्यू पे लाइव आता हूँ। आपका कोई सवाल सुझाव या अनुभव हो तो आप मेरे साथ आके साझा कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी molisingh1986 है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। यह मशीन का अमेजन लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।